लोग कैसे हो आप सभी लोग, तो आ गए मैं कौन नई वीडियो में। आज हम फिर से खेलने वाले हैं WWE महीम। तो इसमें क्या आपको याद होगा कि अभी हम इसमें स्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने द राइजिंग स्टार का द वाइपर पिट के अंदर अबिलिटीज को कंप्लीट कर लिया था, तो आज बारी आउट नंबर्ड की। तो चलते हैं उसको खेलते और देखते हैं उसको कैसे क्या अपन कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर शेमस मुझे दिखा रहा है, तो आई थिंक मुझे शेमस से ही फाइट करनी पड़ेगी सबसे लास्ट में, और इसके बाद फाइनल टाइटल शॉट को कंप्लीट करके अपन द राइजिंग स्टार को पूरा फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो तक अपना द राइजिंग स्टार पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ये आप बोल सकते हो कि सेकंड लास्ट वाली फाइट होने वाली है उसकी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कार्ल एंडरसन दिखा रहा है, तो इससे मेरी फाइट होने वाली है, और इसको मैं सोच रहा हूँ गोल्डबर्ग से लड़ाते हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग अपना पावरफुल दिखा रहा है, प्लस पे भी गोल्डबर्ग की हिल चल रही थी। तो देखते हैं कार्ल एंडरसन अपने सामने कितनी देर तक टिक पाएगा। मैंने इसको यहाँ पे मारना तो स्टार्ट कर दिया है। ओ भाई, ये मुझे एक मूव मारने की सोच रहा था, बट जो कि ये नहीं दे पाया मुझे, मैंने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको स्पेयर दे ही दे देता हूँ, तो अब इसको स्पेयर लगने वाले काफ़ी जोर से। खैर यार, इसमें जो गोल्ड पर स्पेयर देने के बाद उछलेगा ना, देखो बिल्कुल रियल जैसे, ऐसे ही भाई रियलिस्टिक में गोल्ड पर उछलता है, और वैसे ही इस गेम में भी दिखाया गया है। तो ये चीज़ अच्छी है, और गेम ने अच्छा खासा कॉपी किया है, मतलब रियल कैरेक्टर्स को। खैर गेम भी WWE का है तो कॉपी तो करना ही था। अब मैं इसको यहाँ पे जैक हैमर देने जा रहा हूँ, मुझे लगता है इसी में इसका काम तमाम हो जाना चाहिए, बट नहीं होगा तो एक बार स्पेयर खाने के लिए या फिर जैक हैमर खाने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी भाई ये बचने की कोशिश कर रहा है, मैं ट्राई करूँगा हो जाए गिनती, और जो कि नहीं हो पाई यार। इसने यहाँ पे किक आउट कर दिया, कोई बात नहीं है कि इसमें गोल लगेगी इसको भी। अभी ये सोच रहा था भाई बच जाएगा, बट बचने नहीं वाला ये बिल्कुल भी। चलो इसको एक मैं यहाँ पे नॉर्मल मूव मारता हूँ, अगर ये रिवर्सल देगा तो ठीक रहेगा, बट भाई यहाँ पे बैली टू बैली सुप्लेक्स में इसका काम तमाम समझ लो हो जाने वाला, क्योंकि बंदे ने रिवर्सल ही नहीं दिया। वैसे इसका मूव चार्ज था, ये रिवर्सल दे सकता था, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये वाली फाइट तो मैं हो जाता हूँ विन। अब बारी यहाँ पे नेक्स्ट वाली फाइट की, तो चल के देखते हैं किससे करनी होगी। यहाँ पे दो तरीके, तीन तरीके से रास्ता अपने को दिखा रहा था, ऊपर से, बीच में से और नीचे से। तो अपन देखते हैं कि अपने को किस तरफ से चलना है। तो ये नीचे, ये बीच और ये ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जूस वगैरह कलेक्ट कर लिया। अब अपनी बारी है यहाँ पे दाम मीज ऑसम से लड़ने की। तो इसको भी मैं यहाँ पे गोल्ड बर से लड़ाने वाला, क्योंकि गोल्ड बर इसके सामने भी ज़्यादा पावरफुल दिखा रहा है। खैर यार, मैंने गोल्ड बर को फुल अपग्रेड कर दिया, और जैक रॉबर्ट को भी मैंने फुल अपग्रेड कर दिया, बट अपना फिर भी गोल्ड बर सबके सामने ज़्यादा पावरफुल दिखाता है, इसकी पंच वाली पावर है ना गाइस। इसलिए अभी मैंने मीज को यहाँ पे स्पेयर मार दिया, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा जोर से लगने वाली है। इसकी पूरी हेल्थ चली जानी चाहिए जैसा कि मुझे लगता है, बट अभी भी इसकी थोड़ी सी हेल्थ बची है। तो ठीक है, एक और बार मुझे यहाँ पे लगता है इसको मूव मारना पड़ेगा। कोशिश तो करूँगा मैं कि गिनती हो जाए टू और फाइनल। अरे यार थोड़ी सी रह गई ना, आपने देखा मैंने थोड़ा सा जल्दी टैप कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे स्टन हो चुका है, अब इसको लगने वाला है यहाँ पे जैक हैमर। अब वैसे तो इस जैक हैमर से इसका काम तमाम हो जाना चाहिए, बट भाई पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। कोशिश तो रहेगी मेरा कि इसी से इसका काम तमाम हो जाए। अभी भी भाई बचने की कोशिश कर रहा है। खैर यहाँ पे यार सुपर स्टार थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो चलो मैंने राइट टाइम पे यहाँ दबा दिया, और ये वाली फाइट को मैं हो जाता हूँ विन। अब मैंने तो दामी इसको हरा दिया, बट भाई यार मुझे ऐसा लगता है कि सुपर स्टार थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, वरना पहले तो भाई एक स्पेयर है जैक हैमर से इनका काम तमाम हो जाता था, बट अभी देख रहे हो किक आउट करने की कोशिश करते हैं भाई पूरी। अगर मैं राइट टाइम पर ना दबाऊँ तो समझ लो काम नहीं हो सकता है। तो भी राइट यहाँ पे जे उसो से फाइट करने की। जे उसो के सामने भी अपना गोल्डबर ही सबसे ज्यादा पावरफुल दिखा रहा है, तो जे उसको भी मैं गोल्डबर से लड़ाने वाला हूँ। पता नहीं आ रहा जैसा, क्योंकि गोल्डबर सबसे सामने प्लस पे दिखा रहा है। तो चलो जे उसो की बारी है। हमने अभी इसको मारना तो स्टार्ट कर दिया, और इसकी हेल्थ भी जाने लगी है, इसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम जा रही है, बट कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे स्मैक मार ही देते जैक हैमर, काफी जोर से लगेगी। अब पूरी हेल्थ चली जाएगी, थोड़ी सी बची है यार, पूरी नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं सुपरस्टार। तो फाइनल भाई टाइटल शॉट को हराना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया ना। आपने देखा मैंने पूरी कोशिश कर कि मैं यहाँ पे तीन तक गिनती कर दूँ, बट थोड़ा सा रहेगा, कोई बात नहीं। अब इसको स्टन कर देते हैं, और स्टन के बाद इसको लग जाएगी कि स्पेयर, जल्दी से हो जाए स्टन भाई। चलो ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे स्पेयर लग जाने वाली है, और शायद स्पेयर से इसका काम हो जाए। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सारे ही जितने भी सुपर स्टार थे ना, दाम इस भी स्पेयर लगने के बाद भी यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहा था, और सेम टू सेम ये भी बचने की कोशिश कर रहा है। भाई ये पावरफुल तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो चलो देखते हैं कि इसको मैं कैसे हराऊंगा, क्योंकि यार वैसे तो ये नॉर्मली हारा नहीं है। मुझे रिवर्सल भी दे देगा यार, अगर मैंने यहाँ पे इसको सुपर मूव मार दिया अपना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के भी खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, इसने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया, और अभी फिनिश। अब इसको लगेगी फाइनल वाली अपनी स्मैक, भाई क्या सोचा था बच जाएगा। अभी इसको लगने वाली है जैक हैमर, और अब ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। जैक हैमर इसको काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगी होगी, तो मुझे लगता है इसका काम तो हो गया है। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल स्टन हो चुका है, हिल डुल बिल्कुल मिल ही रहा है, तो ये वाली फाइट को हम जाते हैं यहाँ पे विन। अब यार गोल्ड पर पता नहीं यार इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे अपना हो चुका है। क्या पावरफुल तो मैंने इसको अपग्रेड वगैरह करके किया है, बट सब प्लेयर के सामने यही पावरफुल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो गोल्ड पर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वाले मैच में। तो यहाँ पे फिर से मैं सोच रहा हूँ गोल्ड पर से लड़ा देते हैं, अपना गोल्ड पर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखा रहा है। इस बार फाइट होने वाली है रॉयल से, जो कि ब्रे वाइट का एक टीम मेंबर था पहले, बट अभी तो शायद ही अपना पर्सनल लड़ता है, ब्रे वाइट के साथ नहीं आता है। कोई बात नहीं, इसको भी हराते हैं भाई। मूछ वाला, दाढ़ी वाला है भाई, मूछ वालों से दुश्मनी नहीं है, दाढ़ी वालों से दुश्मनी है भाई अपनी। तो दाढ़ी वालों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। चलो इसको यहाँ पे स्पेयर लग चुकी है, ख़त्म भाई, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से इसको लगी है। देख रहे हो ना, बंदे ने सर पे वाल नहीं रखे हैं, बट भाई दाढ़ी रखी है, दाढ़ी जरूर रखनी ज़रूरी है इसको। भाई पता नहीं यार कैसे ये रह लेते हैं, ऐसे चूती ऐसे दिखते हैं बिल्कुल। चलो तो यहाँ पे मैंने इसको एक जैक हैमर भी मार दिया, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगेगा,
और भाई खत्म। इस वाली जैकहैमर से तो इसका काम हो जाना चाहिए, बट अभी भी बचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे हो पाएगी। बिल्कुल मैंने राइट टाइम पे दबाया और ये वाली फाइट को मैं हो जाता हूँ विन। अब क्या रोवेन अपने सामने उतनी देर तक नहीं टिक पाया है और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हरा दिया। मैंने राइट टाइम पर दबाया वरना ये टिक भी सकता था, किक आउट वगैरह कर सकता था। तो अभी बारी है यहाँ पे जेफ हार्डी की, तो जेफ हार्डी से हम लड़ेंगे और उसके बाद एंड में अपने को शेमस से लड़ने को मिल जाएगा। तो जेफ हार्डी को मैं यहाँ पे लड़ाने वाला हूँ अपने जनरल महल से, क्योंकि जनरल महल यहाँ पे प्लस पे जा रहा है और जेफ हार्डी जनरल महल के सामने माइनस पे जा रहा है। तो जेफ हार्डी तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा देगा। फिर मैंने मारना स्टार्ट कर दिया इसको, अगर मैं फाइनल मार दूँ ना इसको सुपर चोक स्लैम तो और ज़्यादा गंदे तरीके से इसकी हेल्थ जाएगी। तो अभी तो मैंने इसको यहाँ पे टाइपिंग नहीं मार दी और इससे इसको अच्छा खासा डैमेज लगा है। अब बारी यार इसको फाइनल वाले मूव मारने की, मैं उसी का ट्राई कर रहा हूँ। तो चलो अभी मैंने इसको यहाँ पे कैमल क्लच में डाल दिया, शायद ये सबमिट कर दे, टैप आउट कर दे, मुझे लगता तो है ये कर देगा। पूरे चांस है भाई करने के, कर देना चाहिए भाई। चलो तो यहाँ पे जेफ हार्डी ने टैप आउट कर दिया और अपने यहाँ पे जनरल महल ने ये वाली फाइट अपने को विन करवा दी है। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार प्लेयर है यार अपना जनरल महल, 4 स्टार का है ना, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो चलो ये यहाँ पे अब बारी है फाइनल फाइट की, जो कि होने वाली है सेमस और सिजारो से। मुझे लगा था सिर्फ सेमस से ही लड़ना पड़ेगा, बट सेमस के साथ यहाँ पे सिजारो भी है। तो चलो कोई बात नहीं, अपन दोनों से लड़ेंगे और दोनों को हराएंगे। और आज की वीडियो में मैक्सिमम चांस है कि मैं आपको एक प्रीमियम की लूट भी खोल के दिखाऊं, तो एंड तक वीडियो के जरूर से बने रहना। अगर उससे कुछ अच्छा कैरेक्टर सुपर स्टार मिलता है तो वो आप लोगों के सामने ही मुझे मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पे मैंने सेमस को तो आना स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं इसको यहाँ पे लगाने वाला हूँ स्पेयर। काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से इसको लगेगी और देखो बहुत ज़्यादा इसकी हेल्थ चली गई। खैर जाने की भी ज़रूरी थी भाई, इतनी हेल्थ तो इसकी जानी ज़रूरी थी। अब यहाँ पे हमने मुंह को चार्ज करने का सोच रहा था, इसको भाई टैग देना तो ज़रूरी था, क्योंकि भाई वरना सिजारो नहीं आ पाता। अब सिजारो आ चुका है तो कोई बात नहीं, हम सेमस को अकेले हरा के क्या मिलता अपने को, अपन यहाँ पे सिजारो को भी हराएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे जैक हैमरी मारूंगा, देखना ये रिवर्सल देते बस एक बार। यहाँ मैंने इसको स्कूप पावर स्लैम मार दिया, बट भाई इसने अभी तक अपने को रिवर्सल नहीं दिया। दे दे भाई अभी तो दे दे। अब इसको लगी यहाँ पे बेली टू बैक सुप्लेक्स काफ़ी ज़ोर से, बट अभी तक इसने यहाँ पे रिवर्सल देने की कोशिश नहीं करी है। अब मैं इसको फाइनल स्मैक मार दूंगा, अगर इस बार गिनती नहीं होती तो फाइनल स्मैक। बट हो चुकी है भाई, किस्मत तो देखो, बंदे की भी किस्मत अच्छी थी, मेरी भी किस्मत अच्छी थी कि अपन ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जल्दी से इस वाली फाइट को एंड कर दिया है। तो अब भाई आपको दिखाता हूँ मैं कि अपन को कौन कौन सी यहाँ पे लूट वगैरह मिली है। 2 लूट मुझे यहाँ पे मिली है, तो सबको मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको। एपिसोड 6 वगैरह शायद मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो वो अपने को यहाँ पे दिखा रहा था। चलो अपनी मैं आपको दोनों लूट ओपन करके दिखाता हूँ कि इससे अपने को क्या कुछ मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे जूस वूस मिले नॉर्मल, जो कि मेरे किसी भी काम के नहीं, बट अभी मैं परचेस करने वाला हूँ एक प्रीमियम का लूट और उसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि इससे अपने को कौन सा वाला सुपर स्टार मिला है। तो इससे मुझे यहाँ पे 4 स्टार का रिडिल मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अब ये मेरा यहाँ पे 2nd सुपर स्टार हो चुका है 4 स्टार का। अभी तक मेरे पास सिर्फ जनरल महल था, बट अब अपने पास यहाँ पे रिडिल भी आ चुका है 777 की इसकी रेटिंग वगैरह। काफ़ी ज़्यादा रॉ का प्लेयर है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे ये रिडिल। यार आप कमेंट बताना आपको ये रिडिल कैसा लगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, मुझे लगा नहीं था कि मुझे 4 स्टार का मिल जाएगा, बट मिल गया है। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पर कर देते हैं। अगर आपको आया वीडियो में मजा, तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साइड बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।